मंगलवार की सुबह यानी कि आज ही गोविंदा को गोली लगी है। एक्टर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनका उपचार जारी है। इस बीच उनकी बहू और कृष्ण अभिषेक की पत्नी कश्मीरा शाह उन्हें देखने के लिए अस्पताल पहुंची हैं। इसकी झलक भी सामने आ गई है। दरअसल बॉलीवुड एक्टर और शिव सेना नेता गोविंदा आज सुबह दुखद घटना का शिकार हो गए। गोविंदा को गोली लगी। गोविंदा को ये गोली अचानक ही गलती से लगी, वो भी ठीक उस वक्त जब वो घर से निकलने की तैयारी में थे। उनके हाथ से बंदूक नीचे गिरी और गोली चढ़ गई। ऐसे में एक्टर को बायां पैर घायल हो गया है और इसके बाद उन्हें पास के क्रिटिक केयर अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल प्राथमिक इलाज के बाद एक्टर की हालत में सुधार है। उन्होंने बयान जारी कर बताया कि गोली निकाल दी गई है। इस घटना की खबर मिलते ही गोविंदा की बहू कश्मीरा शाह उन्हें देखने के लिए अस्पताल पहुंच गई। इसका वीडियो भी सामने आया है। बताते चले कि तमाम पारिवारिक विवादों को भुलाकर बुरे वक्त में कृष्ण अभिषेक की पत्नी कश्मीरा शाह अपने मामा ससुर को देखने के लिए अस्पताल पहुंची। सामने आए वीडियो में उन्हें अस्पताल के अंदर एंट्री लेते हुए देखा जा सकता है। मीडिया और कड़ी सुरक्षा के बीच कश्मीरा शाह अकेले ही अंदर जाती नजर आई। इस दौरान एक्ट्रेस के पति उनके साथ नजर नहीं आए। कश्मीरा के इस कदम की सराहना हो रही है। लोगों का कहना है कि ऐसे बुरे दौर में ही अपनों का पता चलता है। कश्मीरा सभी मनमुटाव को भूलकर अपने मामा ससुर का हाल चाल लेने पहुंची हैं। बताते चले कि गोविंदा कोलकाता जाने के लिए तैयारी कर रहे थे। वहां के लिए निकलने से पहले वो पैकिंग कर रहे थे। कपड़े रखते हुए ही उनकी बंदूक नीचे गिरी और उनके पैर के निचले हिस्से में गोली लग गई। इस दौरान उनका नौकर मौजूद था। एक्टर का काफी खून बह चुका है। जब उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, उनकी बेटी टीना अस्पताल में मौजूद है। पुलिस भी इस घटना के बाद मौके पर पहुंची। बंदूक को कब्जे में ले लिया गया और मामले की जांच जारी है। वहीं दूसरी ओर गोविंदा की हालत स्थिर है और उन्हें जल्द अस्पताल से छुट्टी भी मिल सकती है। इस पे क्या कुछ कह रहे हैं आप हमें कमेंट करके बताएं। ऐसी तमाम लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे नेक्स्ट सन लाइव।